न्यू ब्लॉग और आज है संडे। आज हम जाने वाले हैं एक जगह। कहाँ जा रहे हैं मैं अपने आप को नहीं बताऊँ। तो अभी हम फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं फिर निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स हम लोग आधे रास्ते तक आ चुके हैं और आगे कहाँ जाना है हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। सो ये पूछने गए हैं बाहर। तो हमें एक रास्ता मिल चुका है लेकिन वो रास्ता वहीं तक जा रहा है कि नहीं पता नहीं। तो फ्रेंड्स फिर से हमने गूगल मैप का सहारा लेके जा रहे हैं एक जगह। देखते हैं गूगल मैप आज हमको सही रास्ता दिखा के वो जगह पहुंचा पा रहा है कि नहीं देखते हैं। और हमें ये देख रहा है दूर दूर तक पहाड़। ये पता नहीं किस गांव में आके घुस गए हैं हम लोग। आगे रास्ता है कि नहीं पता नहीं। फाइनली हम आके पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है पाताली श्रीक्षेत्र और ये है सोनपुर जिला में। फ्रेंड्स ये है पाताली श्रीक्षेत्र। श्रीक्षेत्र नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये लॉर्ड जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड जगन्नाथ यहाँ पे आए थे। इसका हिस्ट्री हमको डिटेल से नहीं पता, ऊपर जाके पता करते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। मैं अभी से थक गई हूँ ये बाबा। अरे पूरा पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ है। बात नहीं मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी। तो बुग्गू कैसा लग रहा है? थक गया मैं पूरा। मैं भी थक गई हूँ। हमें तो और भी ऊपर चढ़ना है वहां तक। यहाँ पे छोटा सा आश्रम बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअली दो तीन गुफा है। इधर है मेन गुफा हम जिस तरफ आए हैं और आगे एक गुफा है 2 किलोमीटर आगे, उधर भी आपको दिखाएंगे बाद में। पहले मेन गुफा घूम लेते हैं। यहाँ से और 800 मीटर है ऊपर है। रास्ता बहुत खराब है, पूरा पहाड़ में चढ़ना होगा। गई? अरे ऊपर देखो और चढ़ना है क्या? चढ़ना है कि नहीं? अरे हम 500 फुट ऊपर आ चुके हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम लगभग 1300 फीट ऊपर आ चुके हैं और ये हर 10 मीटर में बैठ बैठ के आ रही है और बीच में तो ये लुढ़क गई थी। ये काफी चढ़ानी रास्ता है, पूरा सीधा सीधा चढ़ानी है पूरा। और इतना हिस्ट्री लोगों से पता चला है अब तक। यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ 144 ईयर्स यहाँ के रुके थे
फ्रेंड्स हम 2300 फुट ऊपर आ गए हैं अभी। हो इसको देखिए, जगह आने का अगर आपको मन है तो आपको पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा। जो लोग फिजिकली फिट नहीं है या फिर 50 वाले, ये जगह मत ही आइए। और फाइनली हम ये ऊपर तक आ गए हैं। यहाँ गुफा है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे बस मंदिर है, गुफा के लिए हमें और आगे जाना होगा। बोल तो रहे हैं कि यहाँ से 400-500 मीटर है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है जगन्नाथ का, आपने देख लिया होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं गुफा की तरफ। ये अकेले अकेले जा रही है गुफा की तरफ, देखिए मुझे लेके नहीं जा रही है। ओए रुक जा। तो फ्रेंड्स गुफा को और 300 मीटर बाकी है, रास्ता बहुत ही खराब है, पैदल जाना मुश्किल हो रहा है। मेरे मार दिया हुआ है शायद, और ऊपर है, और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। पता नहीं वो गुफा कहाँ पर है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है यार। ये मुर्गी बोतल रोकी देने और खुद और साइड से अब बाकी मैंने आसी ना पाले महापुर दसन जाना। हां आई लो ना महापुर का ये नाम देखो जो नाम को और से पार से आउट हो छे आउट को वहां दी भी हो छे सारा सीनरी बढ़िया छे मंदिर से पार। हां तो गाइस इसी गुफा में पुरी के जो पुजारी लोग लॉर्ड जगन्नाथ को पाताली करके रखे थे 144 इयर्स तक। तो
फ्रेंड्स, अभी ये हम पूरा पहाड़ के ऊपर हैं, आपने गुफा देख लिया होगा, काफी रिस्की जगह है। अगर आप थोड़ा सा पैर फिसला आपका, सीधा आप नीचे गिर जाएंगे 3000 या 4000 फीट। तो मेरा ये मानना है कि प्रशासन को इसके लिए कुछ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जय जगन्नाथ। लोग नीचे जा रहे हैं, वो पहाड़ देख पा रहे हैं आप ऊपर, वहाँ तक वहाँ गए थे, उससे नीचे उतरे थे फिर 10-20 मीटर, और वहाँ जो 20 मीटर उतरे थे बहुत ही रिस्की था वो। तो फ्रेंड्स, सभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और नीचे उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पैर फिसल रहा है। तो आ रहे हैं तो एक बड़ा सा डंडा लेके आइए, जितना पाताली श्रीक्षेत्र का दर्शन हो गया उतना एडवेंचर भी हो गया हमारे साथ। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं, इस तरफ आप देख पा रहे हैं हम लोग का गाड़ी इधर है। हाँ तो गाइस, फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, काफ़ी बढ़िया जगह था, बढ़िया एडवेंचर हुआ, और ऊपर थोड़ा रिस्की है। अगर आप आ गए हैं तो थोड़ा बच्चों का ध्यान रखिए, और प्रशासन को भी इसके लिए देखना होगा सेफ्टी के लिए। वहाँ ऐसा जगह है कि अगर पैर फिसला तो आप सीधा 3-4 हज़ार फीट नीचे गिरेंगे। और हाँ, साथ में पानी बोतल जरूर लाइए और एक बड़ा सा डंडा जरूर पकड़ के आइए, क्योंकि शूज थोड़ा स्लिप हो रहे हैं रास्ते में। तो फ्रेंड्स, आपको ये पाताली श्रीक्षेत्र कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, यहाँ आगे पता चला कि एक्चुअली पाताली श्रीक्षेत्र दो है, हमने मेन गुफा दिखा दिया और दूसरा गुफा भी है, एक गांव तरफ है, कुछ कोट सामले कुछ ऐसा नाम गांव है, तो उस तरफ चलते हैं। हाँ तो हम यहाँ भी गुफा तक जाने वाले थे, लेकिन और पैर में पेशेंस नहीं रहा तो हम रिटर्न जा रहे हैं, कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको एक गुफा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पाताली श्रीक्षेत्र से, अभी जा रहे हैं हम मेटाकानी मंदिर। मेटाकानी मंदिर के लिए मिसेस पटेल पूजा करने के लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं। अभी हम लोग मेटाकानी में बैठे हुए हैं, मेटाकानी में बस एक मंदिर है और आसपास में पिकनिक के लिए पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिखाई थोड़ा एक छोटा सा पार्क टाइप का है बैठने के लिए, और हमारे पीछे है एक छोटा सा तालाब, और यहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं है बस।
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर। हेलो फ्रेंड्स, अभी घूम के हम घर आ गए हैं। अभी टाइम हुआ है 5:30। आके हम लोग फ्रेश हो गए हैं और आप देख लिए होंगे पाताली श्रीक्षेत्र वीडियो और मेटाकानी का वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चढ़ना ही नहीं। और ये जो लड़की अभी हंस रही है, अभी दौड़ के आ रही थी, ब्रेक नहीं लगा पा रही थी, आगे मुझे डोस दी।